हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइव विथ रेनू। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी गर्मियों में बहुत अच्छे पके पके आम आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आज मैं मैंगो और बनाना से बहुत ही डिलीशियस क्रीमी मार्केट स्टाइल आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी बिना गैस जलाए हुए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दो आम लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, साथ में दो बनाना लिया है। इसको फ्रिज में रख दिया था, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप बिना फ्रिज में रखे हुए ही बना सकते हैं। साथ में लिया है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू और बादाम लिया है। इसको गर्म पानी में 15 मिनट के लिए सूख कर दूंगी, जिससे बादाम का छिलका आसानी से निकल जाएगा। आप चाहें तो 3-4 घंटे पहले भी सोक कर सकते हैं, और अगर भूल गए हैं सोक करना फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं, 15 मिनट में गर्म पानी में डिप करके रखिएगा तो बादाम का छिलका आसानी से निकल जाता है। घर में जब कोई चीज़ बना रहे हों तो उसे हेल्दी बनाकर दें बच्चों को। अभी समर वेकेशन शुरू हो गया है तो बस बच्चों की तो फरमाइश होती रहती है, तो इस तरीके से घर का बना हुआ हेल्दी आइसक्रीम उन्हें दे सकते हैं। आप इसे बिना ड्राई फ्रूट्स का भी बना सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट्स ऐड करिएगा तो ये और हेल्दी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो दोनों आम को छील लिया है, इसका पल्प निकाल लूँगी। एक मिक्सी का जार लिया है, जिसमें डोसा और इडली के लिए ग्राइंड करते हैं वही वाला जार ले लिया है, बड़े साइज का जार। साथ में लिया है यहाँ पर 3 सैशे मिल्क पाउडर, अगर मेजर करें तो ये 1/2 कप होगा। तो इसको ऐड कर दूँगी। साथ में ऐड करूंगी 3 बड़ा चम्मच शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। बस इसमें और कुछ नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स, इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद एकदम स्मूथ पल्प हमारा रेडी हो गया है मैंगो मिल्क पाउडर शुगर का, बस 3 इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है चॉकलेट का, आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, जैसे लंच बॉक्स में भी इसे जमा सकते हैं, चॉकलेट का या स्वीट बॉक्स आता है उसमें भी। तो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है मैंगो पल्प, इसे फ्रीजर में 3 से 4 घंटे के लिए रखना है सेट होने के लिए। इसे अभी जमाना नहीं है क्योंकि फिर से दोबारा इसको ग्राइंड करूँगी, जिससे आइसक्रीम हमारा बहुत ही स्मूथ क्रीमी बनेगा। तो ये सब करते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो काजू भी अच्छे से सोख हो गया है, फूल गया है, तो उसको निकाल के जार में डाल दिया है। बादाम का भी छिलका आसानी से निकल रहा है। अभी समर वेकेशन में इन छोटे मोटे कामों में आप अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंगो छीलना, कट करना, बादाम छीलना, उन्हें भी मज़ा आएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी, इस तरह से बच्चे सीखेंगे भी। तो सारा बादाम को छील लिया है, दोनों बनाना को भी कट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर, 3 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स 1/2 कटोरी फ्रेश घर की मलाई है, 2 से 3 दिनों की मलाई है, फ्रिज में रखा हुआ था, तो बस इसको भी ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए, हमारा बनाना का भी एकदम स्मूथ क्रीमी पल्प रेडी हो गया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, बिना दूध का ही फ्रेंड्स। तो इसको भी एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी सेट होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीजर में। तो ये देखिए, 3-4 घंटे हो गए हैं, दोनों बॉक्स को बाहर निकाल लिया है, अभी जमा नहीं है, जमने का प्रोसेस शुरू हो गया था। तो बस दोनों को एक बार फिर से मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी, जिससे कि पल्प हमारा और स्मूथ क्रीमी होगा और आइसक्रीम खाने में बहुत यम्मी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येल्लो कलर का फूड कलर डाला है, अगर हो तो डालें, नहीं तो स्किप करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा आइसक्रीम का कलर अच्छा आएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी हो गया है हमारा पल्प मैंगो का। एक दूसरे जार में बनाना वाले पल्प को भी ग्राइंड कर लूंगी।
ये देखिए फ्रेंड, हमारा बनाना वाला आइसक्रीम तो और ज़्यादा क्रीमी हो गया है क्योंकि इसमें मैंने मलाई भी ऐड किया था। तो चलिए दो फ्लेवर वाले आइसक्रीम को एक साथ असेंबल करते हैं। पहले डाला है मैंगो पल्प मैंगो आइसक्रीम, उसके बाद बनाना आइसक्रीम डालूंगी। ये आइसक्रीम फ्रेंड्स बच्चे भी रेडी कर सकते हैं, इसको बनाने में कोई टेंशन नहीं है, गैस जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि घर की बनी चीज़ हेल्दी होता है, तो इस तरीके से इस समर वेकेशन अपने बच्चों को घर की बनी मैंगो बनाना आइसक्रीम जरूर ट्राई करें, खिलाएं बनाकर। तो अब मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी 8 से 10 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट छोड़ दें, अच्छे से आइसक्रीम हमारा जम जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ओवरनाइट मैंने इसे छोड़ दिया था, फ्रीजर से निकाल दिया है। फ्रीजर से निकालते ही तुरंत ढक्कन इसका नहीं खुलता है, तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए रहने दिया था, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसका ढक्कन आसानी से खुल गया है। तो ये देखिए कितना क्रीमी बना है हमारा मैंगो बनाना आइसक्रीम, वेरी हेल्दी वेरी ईजी। जरूर ट्राई करें। फिर मैं मिलूंगी फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।